जो हमने रिजॉर्ट फ्रंट से देखा था, ये अब उसका बैक साइड का एरिया आ जाता है। रिजॉर्ट भी काफी अच्छे लेवल पर कंपनी यहाँ पर इसको प्लान कर रही है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी अगेन 300 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग आ जाती है। गाइज अब हम चलेंगे इसके फेज थ्री की तरफ, और फेज थ्री जाने से पहले हम लोग एक अल्टस का एक छोटा सा राउंड जरूर लेंगे, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड थी कि आपने पिछली वीडियो में अपना अल्टस का प्रोजेक्ट जो है हम लोगों को नहीं दिखाया था, तो यहाँ पर अब आपको जो है अल्टस का प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। और फेज थ्री जाने से पहले ही हमारा अल्टस का प्रोजेक्ट आता है, तो इसलिए हम सबसे पहले फेज थ्री जाने से पहले अल्टस में एक बार राउंड लगा करके आएंगे। वहां पर हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट है, क्या वहां पर अवेलेबिलिटीज मिल जाती है, क्या साइज है, और किस तरह से वहां पर जो है प्लानिंग्स उस बिल्डर की है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, उसी जगह से हमने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद हम दोबारा फिर से उसी सिक्योरिटी पॉइंट से अंदर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद उसी सिक्योरिटी गेट से निकलेंगे जिससे हमने पहले एंट्री करी थी। तो दोस्तों ये अब हम फिर से जो है उसी रोड के ऊपर आ गए। ये मेन 60 फीट की वाइड रोड है, और आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पर वाइड रोड्स में देखने को मिल जाती हैं। फ्लैट टू फ्लैट जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब आपको अगर आपके घर पे दो से ज़्यादा गाड़ियाँ भी हैं तो आप उसे ओपन में पार्क कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है वो। अगेन सर, हमारे राइट हैंड साइड पर जो है सेलेस्टिया रॉयल के फ्लैट हैं, ये हमारे 2300 स्क्वायर फीट के हैं। राइट हैंड साइड पर आप जो देख रहे हैं ये जो फ्लैट हैं, ये हमारे 1596 स्क्वायर फीट के हैं। अब हम फेज टू के गेट से बाहर निकल चुके हैं, और हम आ चुके हैं अपना सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर, जो फेज वन और फेज टू को जो रोड डिवाइड करती है, उस रोड के ऊपर है हम लोग। और अब हम चलेंगे इसके कमर्शियल एरिया की तरफ, जहां से हम देखेंगे कि हमारे पास कमर्शियल एरिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और हमारी कौन कौन सी नीड्स जो है पूरी होती हैं, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिल जाता है। वैसे मैं आपको एक आइडिया के लिए बता दूँ कि डेली नीड्स का जितना भी सामान है वो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े मेगा मार्ट्स भी हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और मेडिकल शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो ये हमारा क्लॉकटन हाई स्ट्रीट की जो मार्केट है, ये उसका लोगो है, और यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ से हमें मार्केट में देखने को मिल जाता है काफ़ी कुछ, जैसे कि सामने की तरफ अमित डिपार्टमेंटल स्टोर है, फिर उसके बाद हमारा चीमा मेगा मार्ट आ जाता है। तो मतलब यहाँ पर हमें और आपको जो है हर एक ज़रूरत का सामान इजीली मिल जाता है। ये हमारी मार्केट आ जाती है। मार्केट में ये इस वक्त हम पार्किंग एरिया की तरफ घूम रहे हैं, और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि येलो टोमेटो है, फिर उसके बाद ग्रैंड कैफ़े है, फिर उसके बाद हमारा यूनिक ब्रूज का रेस्टोरेंट आ जाता है। तो मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं। और सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ब्लू कलर में जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये मेरा ऑफिस है। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आप देखेंगे कि ये रुद्राक्ष स्टेट्स के नाम से जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये मेरे ऑफिस की लोकेशन, और ये मार्केटिंग का एक स्टंट भी है कि इसी बहाने आपको मेरे ऑफिस की लोकेशन भी देखने को मिल जाती है। तो सामने की तरफ अब हम इसी रोड से आगे निकलेंगे तो और भी रेस्टोरेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि चाचा भतीजा का चूल्हा नाम से भी एक रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको खाना खाने को मिल जाता है, और हमारा भी कई बार लंच और ब्रेकफास्ट यहीं पर होता है, और हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना भी यहाँ पर आपको खाने को मिल जाता है। और ये बाइक स्टूडियो देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको सलून्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे द पर्ल का है, फिर ग्रॉसरी स्टोर, फिर उसके बाद हमारे अलग से रेस्टोरेंट्स हैं, बस बाय, डेली डोज, और फिर उसके बाद हमारे अदर शोरूम्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप सामने की तरफ देख ही रहे हैं। तो धीरे धीरे ये एरिया भी जो है बहुत बड़ा मार्केट एरिया डेवलप हो रहा है, तो कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है गाइस, ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छे लेवल पर ये एरिया प्लान किया जा रहा है, और ये इस शहर की पहली ऑपरेशनल मार्केट है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क भी बन जाता है। अब हम इसी रोड से बाहर निकलेंगे तो ये हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों रहने वाला है जहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं।
अब इस वक्त हम जाएंगे, इस वक्त हम एंटर कर रहे हैं दक्षिण मार्ग वाले रोड के ऊपर। और दक्षिण मार्ग वाला रोड जो है, अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण मार्ग वाला रोड है। अगर यहाँ से आप मतलब राइट हैंड साइड से सीधा आप जाएंगे तो आप जाएंगे बद्दी और कुराली वाले टी पॉइंट की तरफ, जैसे कि हम मध्य मार्ग वाले रोड से जाते हैं। और वैसे ही जैसे अगर हम इसी रोड से हम लेफ्ट में टर्न लेंगे, जैसे कि अभी हम लेने वाले हैं, तो लेफ्ट में टर्न लेने के बाद हम लोग जाएंगे इसके न्यू चंडीगढ़ से चंडीगढ़ की तरफ। तो अभी हम फिलहाल चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। तो चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए जो हमें रोड और प्रोजेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो एक तो हमारा फेज वन का प्रोजेक्ट इसी रोड पर आ जाता है। इसी रोड पर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो फेज टू में ओमेक्स का फेज टू आ जाता है, और फेज टू से आगे थोड़ा सा जाने पर हमें अल्टस का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वक्त हम दक्षिण मार्ग वाले रोड के ऊपर हैं और हम लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जिसका नाम अल्टस है। अल्टस में हमें 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट मिल जाते हैं, और उसमें अभी हम देखेंगे कि कैसी डेवलपमेंट है, कैसे रोड्स वगैरह हैं, कैसी एंट्री है। तो वहां से आपको जो है बहुत इजी हो जाएगा उस प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया लगाना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लेवल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में आज की डेट में, और वहां पर भी आपको जो है बजट सेगमेंट में काफी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छी और पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इसीलिए वीडियो आज इस बार इतनी लंबी बन रही है, और ये मेरी पहली ऐसी वीडियो होगी जो एक घंटे से ऊपर की आपकी वीडियो बनने वाली है ये वाली। तो अगर आप इस वीडियो को अगर कट करके भी देखेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो गाइज हम लोग इस वक्त अल्टस के प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो ये अल्टस की एंट्री रहेगी। अल्टस के अंदर हमें जो है 100 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। अल्टस का ये जो प्रोजेक्ट है म्यूर वुड्स के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो आगे निकलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से इसकी अल्टस की कंस्ट्रक्शन या अल्टस में जिन लोगों ने अभी घर बनाने शुरू करे हैं वो भी हमें दिख जाएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है घर ऑलरेडी बना भी लिए हैं, तो लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर भी आना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कितना सुंदर घर बनाया है। वैसे 100 गज के अंदर बना हुआ है, 100-150 गज के अंदर बना हुआ घर है ये वाला जो सामने अभी आपने देखा। गाइस मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं करता, ना ही मैं चाहूंगा कि उसकी बुराई करूं, लेकिन इन्होंने अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम किया हुआ। लेकिन यहां पर अभी जिस हिसाब से अभी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं या फिर जो भी कुछ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस भी उसी हिसाब से आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें प्राइसिंग जो है 30 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है 100 गज का प्लॉट, और ये जाता है आपका कनाल तक का प्लॉट जो है 1.25 करोड़ रुपए तक। तो मतलब काफी अच्छी प्राइसिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट भी यहाँ पर धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है। तो कनेक्टिविटीज का थोड़ा सा इश्यू जरूर है, बट टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो है कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको इजीली मिलती जाएगी। तो इस वक्त हम जिस रोड की तरफ जा रहे हैं वो रोड मैं आपको दिखाऊंगा जो दक्षिण मार्ग को मध्य मार्ग से कनेक्ट करेगा, और जो डीएलएफ के बीच में से जो रोड निकलना था जिस टी पॉइंट पर खड़े होकर के हम लोग बात कर रहे थे जब हम R1 से निकले थे, तो ये उसी रोड को रोड कनेक्ट करेगी। तो वो रोड भी मैं एक बार आपको जरूर दिखाऊंगा, तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो गाइज ये वो रोड है जो आपको दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग को कनेक्ट करेगी। हालांकि ये रोड अभी आप जो देख रहे हैं ये इतनी ही चौड़ी और होनी है। तो अब हम इसी रोड से आगे जाएंगे, तो ये वाला जो रोड है ये आपका मध्य मार्ग को दक्षिण मार्ग से दोबारा से कनेक्ट कर देगा, जैसे कि हमें फेज 1 और 2 के बीच में से जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड थी ये रोड वैसे ही यहाँ से निकलने वाला है। तो बीच में थोड़ा सा जो पैच है वो रहता है, तो अगर वो पैच कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इस एरिया की जो कनेक्टिविटी है और इस लोकेशन की जो प्राइसिंग है उस टाइम पर जो इंक्रीज होगी या फिर जो एप्रिशिएशन मिलेगी तो वो बहुत अच्छी मिल जाएगी इन सभी प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो डीएलएफ हो चाहे वो आपका अल्टस हो। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे, और लेफ्ट लेने के बाद जो है हम लोग फिर से यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि सामने की तरफ आपको जो है अपना द लेक के और डीएलएफ के प्लॉट और फ्लैट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो आप देख रहे हैं। तो
गाइज ये वाला देखिए आप, यहाँ पे भी काफी दूर दूर तक इन्होंने इनकी जो लैंड, इनका जो लैंड बैंक है वो यहाँ पर काफी दूर दूर तक इनका लैंड बैंक फैला हुआ है। और अल्टस कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बस डेवलपमेंट का यहाँ पर थोड़ा सा था, और वो डेवलपमेंट भी अभी आज की डेट में जो है यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। तो ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं लाइट पॉइंट्स या लाइट पोल्स जो लगे हुए आप देख रहे हैं, सारे के सारे डीएल अल्टस ने ही लगाए हैं, और उसके बाद जो है डीएलएफ की। गाइज इस वक्त हम लोग जो है अल्टस के प्रोजेक्ट से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और दोबारा दक्षिण मार्ग के रोड के ऊपर आ चुके हैं। और ये दक्षिण मार्ग वाला रोड है जो इस वक्त हम लोग मूव ऑन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से टर्न लेकर के फेज 3 की तरफ, और यही रोड जो है आपका सेक्टर 38 की तरफ चंडीगढ़ से कनेक्ट करता है आपको। सेक्टर 38 वाला रोड कौन सा भला? ये जो आपका द ट्रिब्यून चौक से होते हुए आपको, जिसको हम अम्बाला हाईवे भी कहते हैं, अम्बाला दिल्ली हाईवे, तो ये वही रोड है दक्षिण मार्ग वाला जिसको हम PR4 भी कहते हैं। ये रोड भी गाइस उतनी ही चौड़ी होनी है जितनी कि आपने मध्य मार्ग वाली रोड देखी थी, और उतनी ही मतलब लेविश बनने वाली है, और उतनी ही ग्रीन एरिया यहाँ पर गमाडा ने यहाँ पर उतना ही ग्रीन एरिया यहाँ पर वैसे ही प्लान करना है यहाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी आज की डेट में भी काफी ट्रैफिक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी अब आपको जो कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर आपको जो देखने दिख रहा धीरे धीरे थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, ये सारा का सारा ओमेक्स का ही है, और ओमेक्स का फेज 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बट उसकी जो एंट्री है वो थोड़ी आगे से रहेगी आपकी।
अभी जैसे कि आप ये जो कंस्ट्रक्शन जितनी भी आप देख रहे हैं ये फेज थ्री की कंस्ट्रक्शन ही है। यहां से जहां पर अभी आप ये देखेंगे कि यहां पर आपको एक बोर्ड दिख जाता है जोन टू फेज थ्री वाला, तो यहां से आपका जो है आपको लेफ्ट टर्न लेना है और लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम लोग फेज थ्री में एंट्री कर जाएंगे। तो फेज थ्री में भी वैसे ही सिक्योरिटी रहती है जैसी आपकी फेज वन और टू में रहती है। तो यहां से जब हम एंटर करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपका राउंड अबाउट आता है, राउंड अबाउट से हम लोग लेफ्ट लेंगे तो हम लोग जाएंगे इसके दूसरे ब्लॉक की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका फेज थ्री के एक राउंड लेंगे और देखेंगे कि यहां पर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो गाइज यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला एरिया भी कंपनी ने बहुत अच्छे तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है, सारी जो रोड्स वगैरह हैं नीट एंड क्लीन है और वाइडर रोड्स वगैरह यहां पर बनी हुई हैं। और ये वाला जो अभी आप ब्लॉक देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पर जो आप ब्लॉक देखेंगे ये आपका 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप ब्लॉक देखेंगे ये आपका जो है 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक है। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं अभी, अब ये एक पार्क है जिसको हमने नाम दिया है हरक्यूलिस पार्क का, और यहाँ पर आप जो स्कल्पचर्स वगैरह देखते हैं तो बहुत ही शानदार और यूरोपियन स्टाइल्स में यहाँ पर बना करके लगाए हुए हैं। तो जब आप इस पार्क के अंदर घूमेंगे तो आपको जो है जो फील आएगी वो उस टाइम पर बहुत ही अच्छी फील आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको शाम को हमेशा कोई ना कोई जो है काफ़ी फैमिलीज जो है वॉक करती हुई बच्चे खेलते हुए यहाँ पर शाम को दिख जाते हैं। ग्रीन काफ़ी बनाया हुआ है इस एरिया को, तो यहाँ पर जो है फ्रेश एयर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो गाइज ये आपका फेज थ्री है जो अभी हम देख रहे हैं, फेज थ्री भी काफी बड़ा बना हुआ है यहां पर, और ये चंडीगढ़ से जस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह जाता है। हम इसी पार्क से जो है इस पार्क का पूरा राउंड लेने के बाद राइट में टर्न लेकर के दोबारा से मेन रोड की तरफ जो है चले जाएंगे, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट के बिल्कुल साथ में आ जाता है। यहां पर आपको जो है इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी मिल जाते हैं, यहां पर आपको जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिलते हैं कासिया के नाम से यहां पर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं और सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के नाम से। तो कासिया वाले जो फ्लोर्स हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही साइज मिलते हैं, 1725 स्क्वायर फीट, और उसके बाद दूसरा जो साइज आता है वो हमारा 2380 स्क्वायर फीट का। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं इसके उसी गेट उसी रोड के ऊपर जिस रोड से हमने एंट्री करी थी, सामने की तरफ आपका जो एंट्री गेट है, और इसी रोड से हम लोग अगर सीधा जाते हैं तो हम लोग मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे जो कि 80 फीट का वाइड रोड है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही लविश और बहुत ही ब्यूटीफुल विलास आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो विलास हैं ये 500 स्क्वायर यार्ड में बने हुए हैं और बहुत ही शानदार विद स्विमिंग पूल विद लिफ्ट, और मतलब बहुत अच्छा इसके अंदर इन्होंने इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है। और जो इसका एक एक मतलब जो अगर आप किसी भी घर में जाते हैं किसी भी उसमें देखते हैं तो उस घर की जो प्लानिंग होती है एक एक जो इंचेस का जो फर्क होता है वो आपके घर को बहुत सुंदर बना देता है, और यहाँ पर उसी चीज का काफी ख्याल रखा गया। और अब आप ये जो देख रहे हैं ये सारी की सारी जो प्लॉटिंग अब फ्रंट में आपको देखने को मिल रही है ये 500 स्क्वायर यार्ड में लोगों ने अपने घर बनाए हुए, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर घर बनाने लोगों ने अपने शुरू कर दिए हैं जो कि किसी विला या बंगलो से कम नहीं है। और बंगलोस भी जो यहां पर आपको जो लोग बना रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पर बना रहे हैं यहां पर लोग। तो गाइस इस वक्त हम लोग 60 फीट वाले वाइड रोड के ऊपर ही हैं। हम इसी 60 फीट वाइड रोड से ऊपर जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हम यहां से लेंगे एक राइट, और राइट टर्न लेने के बाद हमारे कुछ फ्लोर्स स्टार्ट हो जाएंगे जिनको हम लोग जानते हैं कासिया के नाम से। होपफुली आप में से काफी लोगों ने देखे भी होंगे और काफी लोगों ने शायद नहीं भी देखे होंगे।
तो गाइस सामने की तरफ अब आप ये जो फ्लोर्स आपको दिखने शुरू हुए हैं ये कासिया के फ्लोर्स हैं और इनका जो साइज है वो 2380 स्क्वायर फीट का है। ये 4 बेडरूम 4 वॉशरूम वाला कंसेप्ट था और इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर 2 गाड़ियों की कार पार्किंग मिल जाती है और फिर उसके बाद जो है आपका ये जो फ्लोर्स हैं ये आपके विद लिफ्ट रहेंगे। आपके मास्टर बेडरूम में आपको वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है। हर एक रूम के साथ आपको ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है। एक रूम में आपको कबर्ड का एरिया भी मिलता है और मतलब देखा जाए तो ये एक फुली एक कंप्लीट पैकेज है अगर आपकी एक छोटी फैमिली है और आप फोर बीएचके में अपने विद पेरेंट्स रहना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। यहाँ से हम लोग एक लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेने के बाद हम लोग इसका राइट लेंगे, राइट लेके हम जब एरिया देखेंगे तो वहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जब हम एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई रह भी रहा होगा कि नहीं, बट नहीं गाइज, जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपको जो लोग दिखने शुरू होते हैं, यहाँ पर आपको हैबिटेशन दिखनी शुरू होती है, तो यू विल गेट एन बेटर आइडिया कि यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। काफी लोग रह रहे हैं गाइस, यहाँ पर करीब करीब 300 से 400 फैमिलीज यहाँ पर इस फेज 3 में रह रही है और कोठियों में भी लोगों ने आना धीरे धीरे शुरू कर दिया जैसे जैसे उनकी कोठियां बन रही हैं और डेली बेसिस पर भी जो है लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। डेली बेसिस पे कोई दो तीन फैमिली करके यहाँ पर शिफ्ट हो रही है आज की डेट में। और ये वाला जो जहां पर अभी आप फेंसिंग देख रहे हैं ये वाला एरिया रहेगा इनका क्लब हाउस के लिए, तो यहाँ पर क्लब हाउस बनना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओमेक्स कासिया साइट फॉर क्लब हाउस। ठीक है गाइस, तो ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये वाले फ्लोर्स भी वही कासिया के फ्लोर हैं जो भी हमने अंदर से देखे हैं जिसपे हैबिटेशंस थे, तो यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। आपको बाहर से दिख जाएगा कि कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, एसीज वगैरह लगे हैं, कर्टन्स लगे हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। तो अभी हम लोग दोबारा घूमकर 60 फीट वाइड रोड के ऊपर आ गए हैं और इसी रोड से हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो हम इसका इनका एक और पार्क है जो मरीना के नाम से बहुत फेमस है, वहां पर इन्होंने कैंटीन भी बनाई हुई है एक छोटी सी जिसमें आपको डेली मतलब आप जूस वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है और हर एक पार्क के अंदर आपको जो है ओपन जिम भी देखने को मिल जाता है जैसे कि अभी आप सामने की तरफ देख ही पा रहे हैं। तो जितना भी इनका एरिया जो खाली रह जाता है वहां पर ये पार्क बनाते हैं और पार्क जो है बहुत बढ़िया तरीके से उसको मेंटेन करते हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को जो मतलब बीमार भी रहते हैं वो यहाँ पर आकर के मतलब बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जैसे दिल्ली से काफी लोग हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं शिफ्ट हो रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ का जो एरिया है वो काफी पसंद आता है क्योंकि दिल्ली देखा जाए तो आज की डेट में काफी पॉल्यूटेड हो चुका है और वहां पर हर रोज मतलब कहीं कोई ना कोई मतलब जो है पेशेंट सांस की बीमारी से परेशान हो रहा है, तो वो यहाँ पर आकर के जो फील करता है वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर अगर आप आकर के रहते हैं तो यहाँ पर आप नेचर के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था गाइस कि यहाँ पर लोगों ने काफी सुंदर सुंदर कोठियां बनानी शुरू कर दी है, तो जैसे कि यहाँ पर भी फैमिली जो है शिफ्ट हो चुकी है, आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया इन्होंने बनाई है कोठी। दोस्तों अभी हम लोग मतलब फिर से उसी रोड के ऊपर हैं जैसे कि मतलब मैं आपको बता रहा था, हम जब हरक्यूलिस पार्क हमने देखा था तो हमारे राइट हैंड साइड पर जैसे उस टाइम पर लेफ्ट हैंड साइड पर थे, तो इस बार हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये पार्क आ जाता है जैसे कि जो मरीना पार्क है ये भी आपका जो है यूरोपियन स्कल्पचर से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर भी आपको काफी कुछ देखने को मिल जाता है और यहाँ पर पेंट्री एरिया भी आपको कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है और जगह जगह पर गजीबोज बनाए हैं ताकि जब तेज हवा चले या बारिश चले तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ करके उस नजारे का भी जो है मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम जो एरिया देख रहे हैं ये ओमेक्स का फेज 3 है जो कि चंडीगढ़ से जस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम लोग पीसीए क्रिकेट स्टेडियम को देखते हुए न्यू चंडीगढ़ के सबसे पहले प्रोजेक्ट दक्षिण मार्ग से जब हम एंटर करते हैं उसके ऊपर जाएंगे और वहां से देखते हुए हम लोग जो है इसके हम लोग देखेंगे फिर उसके बाद सनटेक का प्रोजेक्ट। तो गाइज हम लोग मेन रोड के ऊपर आ गए और मेन रोड के ऊपर आने के बाद हम लोग जो है फिर से सिक्योरिटी पॉइंट पर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे
दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर अब हम जाएंगे। दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर जाने के बाद हम लोग फिर से यहाँ से एक लेफ्ट लेंगे, और लेफ्ट लेने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ, जो कि हम चंडीगढ़ की चंडीगढ़ से इस वक्त हम लोग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो गाइज अभी हम लोग जो है